students, welcome to MathGed. In this video, we will discuss the level 2 questions of CF or complementary function, right? चलिए start करते हैं first question से, और ये question आया है engineering service exam 2018 electrical branch में, right? तो start करते हैं question से. If d2y by dt2 plus y is equals to 0, d2y by dt2 plus y is equals to 0 under the conditions given y is equals to 1 and dy by dt is equals to 0 when t is equals to 0, it means ये given है at t is equals to 0 पे y की वैल्यू 1 है और t is equals to 0 पे dy by dt की वैल्यू 0 है, राइट? ये कंडीशंस आपको गिवन है, देन y equals to what? वी हैव ऑप्शंस a b c d sin t cos t tan t और cot of t, चार ऑप्शंस हमारे पास में है, राइट? बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा. व्हाई? बिकॉज यहां से आपको cf तो निकालना ही है, उस cf के साथ-साथ जो गिवन कंडीशंस है उनको भी अप्लाई करना है, राइट? तो उन कंडीशंस की हेल्प से आपको कांस्टेंट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले, एज वी नो वेरी वेल, अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का cf निकालना है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी, राइट? तो वी कैन राइट दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एज d स्क्वायर प्लस 1 इनटू y इज इक्वल्स टू 0, देन द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस वुड बी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट? m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इट मींस m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1, और इट मींस m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा, राइट? तो मुझे यहां से जो रूट्स मिलने वाले हैं वो मिलेंगे यहां से m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा की फॉर्म में. ऐसा हो जाएगा, यहां पे दिख गया कि रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, राइट? तो cf बनने वाला है, cf या ycf इज इक्वल्स टू e टू द पावर, एज वी नो वेरी वेल, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 0 प्लस माइनस आयोटा, राइट? ये बन सकता है a प्लस माइनस आयोटा b वाली फॉर्म में. यहां पे a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है. तो हम जानते हैं जब ऐसे रूट्स आते हैं तो उस केस में जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, टेबल 1 जहां हमने कांसेप्ट ऑफ cf देखा था, उस टेबल में जो हमने 4th और 5th नंबर पे कंडीशन देखी वो यही थी कॉम्प्लेक्स वाली. तो वहां से बन जाएगा e टू द पावर at, राइट? तो at मींस यहां पे 0 है, तो 0 * t, ये जो रियल पार्ट होता है वो पावर में जाता है, जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो एंगल में जाता है. तो यहां से बन जाएगा c1 cos of bt मींस cos of t बिकॉज़ b is equals to 1 है, प्लस c2 sin of t, राइट? ये बन गया हमारे पास इसका cf. तो और हम जानते हैं कि यहां पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की है, f dy is equals to 0 की फॉर्म की. इसका मतलब यहां पे भी जो जनरल सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ cf की फॉर्म में ही रहेगा. इन दिस केस pi is also is equals to 0. तो यहां पे अगर pi की वैल्यू 0 है तो सिर्फ cf निकालना है, cf भी इसका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, राइट? तो यहां पे y is equals to, इसको ऐसा लिख लीजिए, c1 cos t plus c2 sin t, राइट? ये इक्वेशन नंबर 1 डाल के यहीं छोड़ दीजिए, बिकॉज़ अब हमें कंडीशंस को यूज करना होगा जो गिवन है. सबसे पहले कंडीशन गिवन है t = 0 पे y = 1. तो t = 0 पे जब y = 1 अप्लाई कराएंगे हम स्टूडेंट्स, तो यहां बनने वाला है y0 = 0, y0 = 1, राइट? तो यहां ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी. t = 0 रखना है तो y की वैल्यू 1 आएगी, 1. t = 0 रखेंगे, sin 0 0, cos 0 आ जाएगा 1. तो यहां से आपको कांस्टेंट मिल गया, c1 is equals to 1, राइट? अब सेकंड कंडीशन जो डेरिवेटिव वाली है उसके लिए आपको इस सॉल्यूशन का पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा, राइट? तो यहीं हम इसका पहले डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेते हैं. dy by dt is equals to c1 कांस्टेंट है, cos का करेंगे माइनस साइन, तो c1 sin t plus c2 कांस्टेंट है, sin का करेंगे cos t. तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव, c1 minus c1 sin t plus c2 cos t, राइट? अब इस कंडीशन को जो dy by dt की वैल्यू 0 है, किस पे t is equals to 0 पे, इसको इसमें अप्लाई करा देंगे. तो यहां से बन जाएगा dy by dt is equals to, या 0 is equals to minus, मुझे रखना है t की वैल्यू 0, तो c1 की वैल्यू 0 प्लस यहां से बनने वाला है c2. तो डेफिनेटली यहां से आपको क्या मिल गया, c2 की वैल्यू भी 0 है. बाय दिस कंडीशन आपको ये समझ आ गई बात कि dy by dt की वैल्यू रखनी है 0, c1 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अभी यहां पे, sin t, t की वैल्यू रखनी है 0, cos की वैल्यू रखनी है वापस t की वैल्यू रखनी है 0, तो cos t रह जाएगा, तो सिर्फ c2, तो c2 की वैल्यू 0 आ गई. दोनों कांस्टेंट्स आपने निकाल लिए, c1 आ गया 1, c2 आ गया 0, c2
C1 और C2 की वैल्यू उठा के इस जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें रख देते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन था जनरल सॉल्यूशन या जो हमारा CF था उसमें रख देते हैं। तो y is equals to C1, C1 is equals to कितना है 1 है, तो y is equals to cos t और प्लस C2 की वैल्यू कितनी आ गई है 0। तो जनरल सॉल्यूशन यही इसका जनरल सॉल्यूशन है, यही इसका CF है, राइट, बिकॉज यहाँ पे जो PI है उसकी वैल्यू 0 है। सो दिस इज द ओनली जनरल सॉल्यूशन एंड दिस इज द ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो y इज इक्वल टू cos t इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आ रहा है cos t, cos t आ रहा है ऑप्शन नंबर B के अंदर, तो ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये क्वेश्चन भी वैसा ही है जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, वो क्वेश्चंस थे लेवल 1 वाले जहां आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है। यहां आएगा लेवल 2 जहां आपको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और साथ ही साथ ये कंडीशन हमेशा आपके पास होगी कैसी, डेरिवेटिव वाली। तो CF के जो क्वेश्चन हैं गेट एग्जामिनेशन में और इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में 2 टाइप्स के बनते हैं, एक तो वो जहां आपको ऑप्शन में ही ऑलरेडी जो कॉन्स्टेंट्स है वो गिवन है, राइट, और सेकेंड वो जहां आपको ये इनिशियल पॉइंट्स गिवन होते हैं उस केस में आपको जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है उसमें पहले आपको डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हम पहले सॉल्यूशन निकाल देते हैं और इस सॉल्यूशन से पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, और उस डेरिवेटिव और गिवन इनिशियल पॉइंट की हेल्प से हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए ऐसे ही और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद वन मोर क्वेश्चन विच हैज बीन आस्क्ड इन ईयर 2018 मैकेनिकल ब्रांच, एंड द क्वेश्चन इज द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल वाई टी इज डिस्क्राइब बाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y/dt2 इज इक्वल्स टू माइनस dy/dt माइनस 5y/4। द इनिशियल कंडीशन आर y0 इज इक्वल्स टू 1 एंड dy/dt एट t इज इक्वल्स टू 0 इज 0। देन द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट t is equals to pi is what, right? ये numerical entry question है और यहाँ आपको decimal के 2 places तक value find out करनी है, right? तो चलिए start करते हैं ऐसे questions को कैसे करना है। अभी जो मैंने question किए ये बिल्कुल उसी type का है, लेकिन difference ये है कि यहाँ पे एक particular point पर आपको value find out करनी है, right? तो चलिए start करते हैं। सबसे पहले इस given differential equation को हम लिख सकते हैं ऐसा d square, और इनको इधर ले आए तो d square plus d और plus 5/4 y is equals to 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, जब हम d को रिप्लेस कराएंगे m से तो ये बन जाएगी m square plus m plus 5/4 is equals to 0, राइट। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b square माइनस 4ac से। यहाँ a is equals to 1 है, b is equals to 1 है, और c is equals to कितना है 5/4, राइट। तो रूट्स फाइंड आउट करते हैं, m is equals to माइनस बी मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4 इनटू ए मीन्स 1 और सी मीन्स 5/4 डिवाइडेड बाय 2a, a इज इक्वल टू अगेन 1, राइट। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलने वाला है यहां से माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 5 मीन्स कितना बनेगा माइनस 4, माइनस 4 इट मीन्स आप उसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 2 आयोटा बाय 2, राइट। और आप इसको ऐसा लिख सकते हैं माइनस 1/2 प्लस माइनस आयोटा, राइट। तो रूट्स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली, और वो रूट्स भी कैसे हैं डिफरेंट डिफरेंट है, तो माइनस 1/2 प्लस आयोटा एंड माइनस 1/2 माइनस आयोटा आर द रूट्स ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूट्स हमारे पास आ गए, इसका CF फाइंड आउट करना है। यहाँ सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन बनेगा CF प्लस PI की फॉर्म में, और यहाँ पे भी PI कितना होगा 0 होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, CF, राइट। तो चलिए CF फाइंड आउट करते हैं इसका। तो YCF इज इक्वल्स टू C1 यहाँ बनने वाला है, आप इसको माइनस 1/2 प्लस आयोटा है, एज वी नो ये किस फॉर्म का है, ए प्लस माइनस आयोटा बी की फॉर्म का है, और इसका CF क्या बनेगा, कैसा बनेगा, YCF इज इक्वल्स टू ई टू द पावर AX, फिर यहाँ बनता है a cos of bx प्लस b sin of bx, राइट। तो ये जो रियल पार्ट है एक्सपोनेंशियल की पावर में, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ जाएगा एंगल में, राइट। तो यहाँ से CF बनने वाला है e टू द पावर माइनस 1/2 t C1, और a t की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1, राइट, मतलब b की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1, तो C1 cos t प्लस C2 sin
राइट. सो दिस इज द सीएफ इक्वेशन नंबर वन. इसको देखिए यहीं छोड़ देते हैं राइट. अब इनिशियल कंडीशंस गिवन है हमें क्या, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू वन है और टी इज इक्वल टू जीरो पे डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो है. तो पहले t इज इक्वल टू जीरो रख देते हैं, उस पे y की वैल्यू कितनी है, वन है. तो उसको रखें y इज इक्वल टू वन e टू द पावर माइनस, ये बन जाएगा कितना, जीरो और c1 वन कॉस जीरो मीन्स वन प्लस c2 टू साइन जीरो मीन्स जीरो. तो यहां से आपको मिल गया c1 वन इज इक्वल टू वॉट स्टूडेंट्स, वन. तो c1 की वैल्यू वन आ गई. अब c2 फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव निकालना होगा. तो डेरिवेटिव बन जाएगा कितना, dy बाई डी टी. dy बाई डी टी किसका होगा, इसका होगा राइट. तो dy बाई डी टी, dy बाई डी टी कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले इस e पावर का कर लेते हैं, इस पूरे को कॉन्स्टेंट रखते हैं. तो e टू द पावर माइनस x का करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस वन बाई टू e पावर माइनस वन बाई टू t और बाकी c1 वन कॉस t प्लस c2 टू साइन t एज इट इज राइट. प्लस इस केस में अब नेक्स्ट बाय सी ई टू द पावर माइनस वन बाई टू इंटू टी कॉन्स्टेंट और इसका करेंगे तो माइनस सी वन साइन टी प्लस सी टू और साइन टी का हो जाएगा कितना, कॉस टी राइट. अब यहाँ पे पॉइंट रख देते हैं, पॉइंट क्या है, टी इज इक्वल टू जीरो पे ये वैल्यू जीरो है तो यहाँ जीरो वन बाई टू एज इट इज बिकॉज ई पावर माइनस वन बाई टू टी कितना बन जाएगा, वन. ई पावर जीरो दैट इज वन और यहाँ से बनने वाला है सी वन प्लस जीरो और यहाँ से बनेगा वापस ई पावर माइनस वन बाई टू एज इट इज मीन्स ये कितना बन जाएगा, ई पावर माइनस जीरो और ये क्वान्टिटी सी वन जीरो और यहाँ से रह गया ओनली सी टू. तो आपको अल्टीमेटली मिला यहाँ से जीरो इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू सी वन और प्लस सी टू. वन बाई टू सी वन की वैल्यू हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, वन आ रही है तो इससे आपको मिल जाएगा सी टू इज इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, वन बाई टू. सी वन आ गया हमारे पास वन, सी टू आ गया वन बाई टू. दोनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू आ गई, उन वैल्यूज को उठा के इस जनरल जो सोल्यूशन हमारा था, इस जनरल सोल्यूशन इक्वेशन नंबर वन में रख देते हैं. तो यहां से बनने वाला है y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाई टू, c1 की वैल्यू होगी 1 मींस cos t प्लस c2 की वैल्यू होगी 1 बाई टू तो ये बन जाएगा sin t बाय टू राइट. अब ये आंसर नहीं है, यहाँ एक और एक्स्ट्रा थिंग आपको गिवन है, वो ये कि आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो पर्टिकुलर t इज इक्वल टू पाई पे फाइंड आउट करना है राइट. तो यहाँ रख देते हैं t इज इक्वल टू पाई, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस पाई बाई टू बन जाएगा, cos पाई बन जाएगा और प्लस साइन पाई दैट इज इक्वल टू जीरो और cos पाई हम जानते हैं कितना होता है, माइनस वन. तो जब आप रखेंगे तो माइनस e टू द पावर माइनस पाई बाई टू बनेगा दैट इज इक्वल टू माइनस 0.21. तो यहाँ डेसिमल के टू प्लेसेस तक वैल्यू निकालनी है तो ये बन जाएगा माइनस 0.21 राइट. e टू द पावर माइनस जाएगा 0.21 और वो भी नेगेटिव, दिस इज नथिंग बट माइनस 0.21 राइट. ओके स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमने सीएफ का एक और अच्छा क्वेश्चन देखा जहां पे कांस्टेंट सी वन और सी टू तो फाइंड आउट करना ही है लेकिन इसके साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ओके स्टूडेंट्स, ने सी एफ के जो क्वेश्चंस देखे वो लेवल टू वाले थे और जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस देखे वो लेवल वन वाले थे राइट. तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ होगी वो फिनिश होता है राइट. अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पी आई दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल को. तो अब तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस लिंक को शेयर ताकि हर एक स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके. Okay, students, thank you.